आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय में रुके हुए कार्य के लिए आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI लगाने के लिए प्रपत्र को कैसे भरेंगे लिखेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे और एक लाइक अवश्य कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि यदि आपने किसी भी कार्यालय में आवेदन दिया था, चाहे वह कार्यालय बिजली विभाग का हो, अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, पुलिस कार्यालय हो या कोई भी सरकारी विभाग के कार्यालय हो, और वहां आपने आवेदन दिया था और उस आवेदन के आलोक में आप क्या कार्रवाई की गई है पदाधिकारी द्वारा, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लिख देंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्र क सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी या जन सूचना पदाधिकारी विभाग या कार्यालय का नाम लिखेंगे जहां आपने आवेदन दिया था। महाशय, मैंने आपके विभाग या कार्यालय में तारीख का नाम लिख देंगे जिस तारीख को दिया था और जो आवेदन दिया था उसके बारे में लिखेंगे के लिए आवेदन दिया था। आवेदन की प्रति संलग्न है लेकिन अब तक संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है, कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। पहला, मेरे आवेदन पर की गई कार्रवाई का दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। मेरा आवेदन किन किन अधिकारी के पास गया तथा किन अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारी ने उस पर क्या क्या कार्रवाई की, पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कृपया उन अधिकारी के नाम एवं पदनाम बताएं जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा, अपना काम ठीक से सो समय नहीं करने एवं जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, यह कार्रवाई कब तक की जाएगी। चौथा है, कब तक मेरा काम पूरा होगा, शीघ्र सूचना प्रदान करें। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपये का शुल्क के रूप में आपको पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या नॉन जुडिशियली स्टाम्प या बैंक चेक के रूप में देना होगा। उसके बारे में लिख देंगे कि मैंने 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या चेक या डिमांड ड्राफ्ट रसीद संख्या इतना से भुगतान किया। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, BPL परिवार के हैं, उन्हें कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। नोट, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यदि सूचना आपके कार्यालय या विभाग से संबंधित नहीं हो तो इसे संबंधित विभाग या कार्यालय को स्थानांतरित कर 5 दिनों के अंदर मुझे भी सूचित करें। यदि आपने कभी गलत तरीके से या गलत कार्यालय में आवेदन कर दिया है तो वह सही कार्यालय में चले जा, यह सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) में स्पष्ट लिखा गया है, इसलिए यह भी एक नोट लिख देंगे तो वह आपका संबंधित कार्यालय को पहुंचाने का काम वहां के लोक सूचना पदाधिकारी जन सूचना पदाधिकारी को होगा, इसलिए यह नोट अवश्य लिख दें। अपना हस्ताक्षर करेंगे, पत्राचार का पूरा पता नाम लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, राज्य जिला का भी नाम लिख देंगे, स्थान जहां आपका है चाहे जिला हो, प्रखंड हो या गांव का नाम यहां लिख सकते हैं। जिस तारीख को आपने आवेदन दिए देंगे उस तरह का यहां नाम लिख देंगे और जो भी आवेदन आपने दिया होगा उसकी छाया प्रति लगा देंगे और रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट इसे अवश्य भेजेंगे जिससे आपको एक रिसीविंग के रूप में उसे सुरक्षित रखेंगे। आशा है आप लोग इस तरह किसी भी कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI कैसे लगाएंगे अच्छी तरह जान गए होंगे और समझ भी गए होंगे। इस तरह के उपयोगी वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। जय हिंद।